हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे विद रिचा। दिस इज़ ऑल अबाउट डीआईवाई डेकोर, गार्डनिंग एंड कुकिंग। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है सूजी मिल्क रस्क। ये बहुत ही यमी रेसिपी है और आई एम श्योर कि आप ये बहुत आसानी से अपने घर में बना पाएंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें सूजी मिल्क रस्क बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 1 कप सूजी है, ये बारीक सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मोटी है, तो आप उसे ग्राइंडर में पीस कर बारीक कर लीजिए। 2 कप मिल्क चाहिए, ये रूम टेम्परेचर पर है। 1.5 टीस्पून ईस्ट, ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है। 1 टीस्पून चीनी, आप इसे चाहे नॉर्मल चीनी या पिसी हुई चीनी कैसे भी ले सकते हैं। और ये है 1/2 टीस्पून इलायची के दाने, आप इसकी जगह पाउडर इलायची भी ले सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सूजी को भिगो लेंगे, क्योंकि ये सूजी बहुत ज़्यादा पानी या दूध लेती है। तो एक बड़े बोल में हम इस सूजी को ले लेंगे और इसमें 1 कप एक बोल नॉर्मल टेम्परेचर मिल्क डालेंगे। आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सूजी मिल्क रस बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें मिल्क डालेंगे। और इसको अब ये देखिए, सूजी अच्छे से दूध में भीग गई है। अब इसको इस तरह करके हम 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इसको ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब 1 घंटा हो गया है, तो आइए चेक करते हैं। देखिए हमारी सूजी फूल कर कितनी सॉफ्ट और कितनी वो हो गई है। तो ये हमारा थोड़ा स्टिकी सा डो, अगर आपको ये ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसमें मैं 2 टीस्पून सूजी ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं 2 टीस्पून सूजी ऐड कर देती हूँ। ये हल्का सा थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 टीस्पून सूजी ऐड कर दी है। इतना ये सूजी इसमें डिज़ोल्व होती है, हम अपना ईस्ट एक्टिवेट कर लेते हैं। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम एक बोल लेंगे, उसमें ईस्ट डालेंगे, शुगर और 2-3 टेबलस्पून ल्यूक वॉर्म मिल्क। ध्यान रखिएगा आपका मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, सिर्फ ल्यूक वॉर्म हो, तभी हमारा ईस्ट एक्टिव हो पाएगा। अब हम इसको बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब किए इसको एक्टिव होने के लिए रख देते हैं। अब हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आ गए हैं, ये दिखाता है कि हमारा ईस्ट एक्टिव हो गया है और हमारा बैटर भी रेडी है। ये देखिए, ये इस तरह थोड़ा सा स्टिकी एंड थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अब हम इसमें अपने ईस्ट को डाल देंगे और अब एक स्टिकी सा डो इसका रेडी कर लेंगे। ये अब थोड़ा ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, लेकिन जितना ये सॉफ्ट डो बनेगा उतने ही आपके रस्क क्रिस्पी बनेंगे, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तो अब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। उससे पहले मैं हाथों पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लीजिए, ताकि आपके हाथों पर ये ज़्यादा स्टिक ना करें।
इसको अच्छे से 5-10 मिनट नीड करना है। अपने इसको वर्क स्टेशन पर निकाल लीजिए, वहाँ भी थोड़ा सा घी या ऑयल आप डाल लीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा पतला लग रहा है, आपको लग रहा है आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा सूजी वगैरह इस्तेमाल कीजिए। इसको 5-10 मिनट खूब अच्छे से नीड कीजिए। और इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हमने एक बोल ले लिया है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे घी से या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। अब इस डो को हम इस बोल के अंदर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब इस डो को इस तरह 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे। आप चाहे इसे कोई कॉटन क्लॉथ से या किसी कपड़े से ढककर रख दें। तो अब 1 घंटा हो गया है, अब हम अपने डो को चेक करते हैं। देखिए कैसे डबल हो गया है साइज में। इसमें हम अब ये इलायची सीड्स ऐड कर लेंगे और इसको एक बार फिर नीड कर लेंगे वर्क स्टेशन पर। अब हम एक ब्रेड मोल्ड लेंगे, मैंने इसको पहले से ही ग्रीस करके रखा है, और इसको एक लोफ की शेप में बनाकर इसके अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे 1/2 घंटा और रेस्ट होने देंगे और उसके बाद हम इसकी बेकिंग शुरू करेंगे। तो इसको किसी भी कॉटन क्लॉथ से कवर कर 1/2 घंटा बेक होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारे डो को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपने ओवन की प्री हीटिंग शुरू करती हूँ। 10 मिनट इसे प्री हीट होने में लगेंगे और इतने में हमारा डो रेडी हो जाएगा। तो हम इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख देते हैं। ये हमारा ओवन प्री हीट हो गया है। इसमें अब हम अपनी ब्रेड रखेंगे। अब इसे 1/2 घंटा हो गया रेस्ट करें। आप देख रहे हैं ये कैसे फूल गया है। अब हम इसे माइक्रोवेव में अपने ओवन में रखेंगे। अब हमारे डो को 1/2 घंटा हो गया है रेस्ट करें। आप देखिए ये कितना अच्छा फूल गया है। अब हम इसे बेकिंग के लिए रख रहे हैं। उससे पहले हम इसके ऊपर एक मिल्क वॉश देंगे। आप रूम टेम्परेचर पर मिल्क लेकर इसके ऊपर अच्छे से मिल्क ब्रश कर लीजिए। तो मिल्क ब्रश करेंगे अच्छे से इसके ऊपर और अब हम इसे अपने ओवन में रखेंगे बेक करने के लिए। तो ये हमने प्रीहीट कर लिया है, उसमें हम अपने ये ट्रे प्लेस करेंगे और इसे 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। फिंगर क्रॉस्ड। तो अब हमारा 20 मिनट्स का बेकिंग टाइम ख़त्म हो गया है। तो आइए देखते हैं हमारी ब्रेड किस तरह। वाओ, दिस लुक सो टेम्पटिशियसली डिलीशियस। अभी गर्म है बहुत, इसे हम ठंडा होने रख देते हैं। अभी हम इसके ऊपर
ये बटर की एक कोटिंग दे देंगे, इससे ये शाइनी हो जाएगा। और अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो अब ये हमारा लोफ काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। अब हम इसे पीसेस में डिवाइड करेंगे। फिलहाल ये ब्रेड की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस एक बात का ध्यान रखें, इसे कट करने के लिए बहुत ही शार्प नाइफ का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सेरिएटेड नाइफ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ब्रेड लोफ निकल के आया। इसके ऊपर आप बटर या जैम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे रस्क बनाने के लिए दोबारा एक बार बेक करूँगी 200 डिग्री पर। ये हम इसको इस तरह स्लाइसेस में कट कर देंगे। तो ये अब हमारा दोबारा बेक होने के लिए रेडी है। आप इसको इस तरह स्लाइसेस में डिवाइड कीजिए, एक बेकिंग ट्रे पर रखिए और इसे हम माइक्रोवेव में अगेन 200 डिग्री टेम्परेचर पर 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये मैं इसको ओवन में 200 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख रही हूँ। ये सारे प्रोसीजर आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते। अगर आप कढ़ाई की रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। अब हमारी बेकिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए इस रैक पर रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये अब हमारे ये रस काफ़ी हद तक ठंडे हो गए हैं। आप देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी और क्रिस्पी बने हैं। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और अपनी कमेंट्स और व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।